हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बैंकर दोस्त। दिस इज़ रोहन एंड गाइस, कल हमने लगाया था आरआरबी पीओ प्रैक्टिस मॉक पे 2022 वाला। अब लगाएंगे 2023 वाला जो फर्स्ट मॉक है, वो फ्री है सबके लिए। तो कल की तरह इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा एंड आप लगा करके कमेंट में बताना आपके कितने मार्क्स आए। सो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं मॉक को और देखते हैं लास्ट में क्या हमारा स्कोर रहता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही रीजनिंग, फिर क्वांट 40-40। बड़ी कर लेते हैं इसको स्क्रीन को। 7% लीनियर रो एंड फेसिंग नोट डायरेक्शन सबके पास अलग अलग। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7। A से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B, the one sit immediate right of P, 1 2 B और B के immediate right है। 2% sit between one green and the one who like, 1 2 3 4 5। 5 हो गई इधर, ठीक है। सो इधर ले लेते हैं ये B, 1 2 A, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ए 1 2 बी और 2% सेट ग्रीन एंड इधर ग्रीन आ जाएगा, 1 2 ग्रीन, 1 2 ग्रीन आ गया। ओके, सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ग्रीन, 1 2 3 1 2। ये सारे गलत हो गए। The one who like pink sit third to the left of E, G और E एक साथ। पिंक अगर, एक सेकेंड, F like रेड, D sit adjacent to ग्रे। पिंक को इसको एडजस्ट करते हैं, P third to the left of E, E इधर हो गया, 1 2 3 नहीं होगा, E 1 2 ये हो सकता है, E 1 2 3 दो हो सकते हैं, 1 2 3 4 6 7 B ग्रीन। गैप गलत ले लिया, ग्रीन A C। अब इधर E लेते हैं तो पिंक था थर्ड टू द लेफ्ट, 1 2 3 1 2 3 पिंक आ गया, G और E एक साथ, G इधर आ जाएगा, G इधर आ जाएगा, इसको हटा देते हैं। फिर बच गया F, जिसको रेड पसंद है, F की जगह बची है, इसमें F की जगह ही नहीं बची। और क्या बोला था, D सीट एडजेसेंट टू ग्रे, D इधर आ जाएगा, ग्रे इसको पसंद हो जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ द वन ग्रीन, 1 2 3 4 5। ब्लू किसको पसंद है, ब्लू वाला तो आया ही नहीं, वो सिट ग्रीन। 2% सिट बिटवीन द ग्रीन एंड द ओके, सी सिट वन लाइक पिंक, एफ लाइक रेड। ओके, आई जरूर बनेगा इसमें, ब्लू जिसको A या फिर G, A और G। डैश ए थर्ड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T, फर्स्ट सेकंड G, G सिट डैश टू द थर्ड। ओके, पिंक से, पिंक कहाँ पर है, 1 2 3 4 4 टू द राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डेफिनेटली करेक्ट, A ब्लैक नहीं बता सकते, B का ग्रे, C पिंक, ये सही है। A ग्रेटर देन इक्वल्स टू S, लेवल तो मुझे पिछले वाले की सेम लग रहा है इसका, A ग्रेटर देन इक्वल्स टू O ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये पहला सही है। A ग्रेटर देन V, A ग्रेटर देन, उसके लिए जाना पड़ेगा, A ग्रेटर देन R ग्रेटर देन, सही है। R ग्रेटर देन इक्वल्स टू P, R ग्रेटर देन ये नहीं होगा, 1 और 2 फिर है आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू एल, आर ये गलत हो जाएगा, वाई ग्रेटर देन वी, वाई 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 ग्रेटर देन आर, आर ये भी गलत हो गया, वी ग्रेटर देन आर, वी ग्रेटर देन जी, वी इक्वल्स टू जी, जी ग्रेटर देन आर, ओनली थर्ड सही है। एल ग्रेटर देन ए, एल के लिए फिर जाना पड़ेगा एल ग्रेटर देन एच, एच ग्रेटर देन टी, टी ग्रेटर देन ए सही है, और फिर के ग्रेटर देन टी, के ग्रेटर देन एच, एच ग्रेटर देन टी सही है ये भी। जे ग्रेटर देन इक्वल टू एस, जे ये बनेगा नहीं फर्स्ट और सेकेंड। बी ग्रेटर देन डब्लू, बी ग्रेटर देन फिर जाना पड़ेगा उसके लिए बी ग्रेटर देन एच, एच के बाद फिर ये गलत हो गया, पी ग्रेटर देन आई, पी इक्वल्स टू एल, एल ग्रेटर देन एच, ये भी गलत हो गया, एन ग्रेटर देन एल, एन ग्रेटर देन एच, एच ये भी गलत हो गया भाई, सबके सब गलत है। एट मोस्ट 28% सिट इन ए लीनियर रो एंड फेसेस नॉर्थ, नो सीट, no seat is vacant, only 2% sit to the left of 1, 2, 1, 2, only 1% sit there and Ham fifth to the left of Sam, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 as many persons sit to the left of Sam, right of Jam। Okay, name sit third to the left of only 2% name and time। Ram sit exactly between Sam and Tam। More than 7% Sam and Tam। क्या क्वेश्चन है यार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 इस तरफ हो गए, तो फिर सेम के लेफ्ट में फिर राइट में छोड़ते हैं इस क्वेश्चन को एक बार। एट पर्सन सिट सर्कुलर टेबल हाउएवर नॉट इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, some of these are faced towards the center while other are facing away from the center, not more than 2 adjacent person faces in the same direction, and the distance between 2 adjacent person is same। K third to the G towards the center, K third to the right of 1, 2, 3, 1, 2, 3 2% K and M। L immediate right of M, H sits second to the right of J who faces away from the center, second to the right of L faces the same as J। N faces away from the center but not sit adjacent to the J। N जो कि बाहर J के साथ है नहीं। I faces away from the center। और क्या बोला था, एच सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, ये क्या कर दिया मैंने, एच बोला था ना इधर तो। सब गलत कर दिया। जी फेसेस टुवर्ड द सेंटर, थर्ड टू द राइट ऑफ जी, फिर 2% के एन एम, 1 2 m 1 2 m, एंड इमीडिएट राइट ऑफ एम, ये हो गया एच सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, जे वो फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर। ओके, जे इधर भी आ सकता है, ये किधर आ सकता है, लेकिन इसमें आएगा जे इधर, जे लेफ्ट राइट एच, एल एम जी के अवे फ्रॉम द सेंटर, जे एच, जे आ गया एच, और फिर एल और जे सेम डायरेक्शन, एन फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर और डजंट एडजेसेंट टू जे। आई फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर, ये गलत हो गया। इनका के और एच का क्या है, के सेट 2% के एच सेकेंड, ये वैसे गलत हो गया, ये अंदर देखेगा, एच किस तरफ देखेगा भाई। क्वेश्चन देते हैं, हाउ मेनी पर्सन सेट clockwise when clockwise direction starting from h, 1 to 1 ही है सिर्फ, dash second to the right of l, 1 to i, k set dash to the right of m, k 1 2 3 4 fifth, j g एल के एन आई एम एच, आई और एच होगा। फिर हाउ मेनी पर्सन सेट एच एंड के वेन काउंटेड टू द राइट ऑफ एच, अब एच का पता नहीं, नॉट मोर देन 2 ही हो गया। एच का कहीं पे दे भी तो नहीं रखा ना, कहीं सी एन डी लगा देते हैं, देखा जाएगा। ओल निक टिक, ओल टिक किक, ओनली फ्यू पिक टिक, ओनली फ्यू सिक पिक। ओके, अ फ्यू किक कैन बी सिक, किक कैन बी सिक हो सकते हैं। सम पिकनिक पिक, निक नहीं पता, ओल निक ये सही है, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, ओल कैट डॉग, ओल डॉग लोयन, ओनली फ्यू लोयन आर एंट, फ्यू एंट सम एंट डॉग, एंट डॉग नहीं पता, ओल कैट लोयन, all loin can be ant, all loin can be ant नहीं हो सकता, only second, फिर क्या है, only a few red, black, only a few black, blue, few blue, pink, no pink is green, all blue can be red, blue can be red हो सकते हैं। Some blue is not green, some blue is not green नहीं पता। ऑल ब्लैक कैन नेवर बी ब्लू, ऑल ब्लैक कैन नेवर बी ब्लू ही सही है। फर्स्ट एंड थर्ड, और कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखते हैं। 7% आर ड्रॉन ए 2 मीटर नॉर्थ ऑफ बी। A is 4 meter west, C, and D is 2 meter south of फिर है E 6 meter north of C, F 2 meter east. What is the shortest distance B and F? B और F के बीच में ये बताना है। तो ये कितना हो गया 4, 5, 6 हो गया 36, फिर ये कितना हो गया 6, 7, 8, 8, 64, 10 का हो गया BE, AF, CF, DF, BD। What is the direction of F with respect to D? North east. How many pairs T20, R18, A1, UV 22, E5, R18, 19, 1, L12? Both cases okay. 21, 22 नहीं बना, 18, 19, 20 नहीं बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं, 22 भी नहीं, 5, 6, 7, 18, 19, 19, 20, 21 नहीं बनेगा, 19, 20, 21, 22, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं बनेगा, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 3 बने। हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड, इसको बाद में देखेंगे। 5, 6, 2, 4, 8, 5, 3, 2, 1 are arranged increasing order right to left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 5 दो बार है, फिर 6, 7, 8। What is the sum of the last 3 digit from right hand? 6। इंक्रीजिंग में तो लगाना है राइट से, सम ऑफ द लास्ट 3 digit फ्रॉम द राइट एंड आफ्टर रीअरेंजमेंट। अच्छा 1, 2, 2 दो बार है, 5 आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये वाला देखा 10 person जो कि नाम दे रखे हैं 2 different dates 5 and 18। दो 4, 6, 8, 10 और मंथ दे रखे हैं कौन से, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। 3% went in the month having even number of days. Even days में उमा went immediate after मिया, but not in the same month, different month में आएंगे। अब इनको अरेंज करना स्टार्ट करते हैं हम। 1, 2, 3 इधर आ नहीं सकता, ठीक है, तो इधर आएगा निया, 1, 2, 3 इधर मिया, उसके नीचे उमा। वैसे ही इधर आएगा नहीं, इसमें आ जाएगा इधर निया, 1, 2, 3 छोड़ के मिया, फिर आ जाएगा पूमा। ठीक है, इसका काम ख़त्म। सीता वेंट 3 months बिफोर किम। सीता वेंट बिफोर मिया। But not in the same month, okay। फिर क्या बोलना है, पिया वेंट 2 months बिफोर जेल। जिया वेंट आफ्टर किम। Jia went after Kim immediate before Jill. Okay, Lara went before Ria। अब देखते हैं कैसे हम इन्हें अरेंज कर सकते हैं। सीता इधर नहीं हो सकता, फिर सीता इधर। सीता और किसका होता, सीता एंड मिया। आ नहीं सकती, ठीक है, तो ये हमारा कैंसिल ही हो गया। सीता 2 छोड़ के किम इधर नहीं आएगा। निया मिया उमा इधर। देखते हैं सीता 1 2 किम। किम के नीचे फिर जिया और जिल। बना तो इसमें भी नहीं भाई। सीता वेंट 3 months बिफोर बोला है, ओके। मार्च 1 2 3। वन टू थ्री इसमें आएगा फिर। सीता इसमें मान लेते हैं, किम इसमें आ जाएगा। फिर किम के नीचे जिया जिल। 1 2 3 उसमें तो पॉसिबल ही नहीं हुआ। फिर क्या था, भाई खराब हो गया यार ये तो। क्या ही कर दिया मैंने, पता ही नहीं चल रहा। 1 2 3 सीता इसमें हो सकता है, इसमें 1 2 3 तो इसमें आ गया किम। किम के फिर नीचे वो बनेगा नहीं, 1 2 इसमें हो गया। जिल और पिया का क्या बोला था, पिया 2 months बिफोर जिल, ओके। 1 2 पिया आ गया फिर इधर। पिया इधर आने के बाद सीता। सीता के नीचे भी कहीं पे मिया। ये हो गया जिया जिल, ये हो गया लारा रिया, यही बनेगा। देखते हैं हाउ मेनी पर्सन आफ्टर रिया। 1 2 3 4 डैश वेंट बिटवीन जिया एंड सीता। कितने हैं जिया और सीता? 1 2 3 4 5 6 7। लारा वेंट्स ऑन 18 of March। सीता निया किधर है भाई, आ जा। जिया जिल लारा बीच में एक निया बची, निया ही होगा। 18 मई रिया, ये क्वेश्चन लग गया। रह तो वो भी गया, चलो 27 ही होंगे इसके। तो देखते हैं आगे। सम ऑफ द नंबर ऑफ लोयन एंड टाइगर, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ लोयन एंड टाइगर, सम ऑफ द ABCD। लोयन, टाइगर, लेपर्ड, 9 के 4 3 7, 1 कम 7 8 42, 16 64, 16 3 48। टाइगर करेंगे तो 52 आ जाएगा। 9 से 16 90 हो गई, ये 70, ये 70, इनमें से 108, ठीक 9 2 0, 100 80, 80 इधर से गया तो 40 50 60, 68, 12 12, 32 12, 1 1, 55 77, 93 आ जाएगा। फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ लोयन एंड नंबर ऑफ लेपर्ड। ए लोयन एंड लेपर्ड 6,116, 75% ऑफ लेपर्ड इन सी स्पोर्टेड। Are spotted leopard in the spotted leopard, then the find so 68 का 3/4 करेंगे 15 16 17 51। If there are 38 male tigers in B, तो 32 हो जाएगा दूसरा वाला, फीमेल 32। Find the difference between the number of leopard and the number of tiger। लेपर्ड एंड टाइगर चू डी में 70 100, डिफरेंस बताना है। ओके 16 का फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ लोयन इन जू बी, लोयन इन बी 90, एंड द नंबर ऑफ लेपर्ड इन बी 90 और 108। 9 कम 9, 5 6, प्लस 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 इंटू 2, 7 6 6 2 12, 7 2 14, तो ये कितना आएगा 7 5 35, 2 2 10 और 7। वाई इज ग्रेटर देन 21, 97 13 का, और एक्स कितना आ जाएगा प्लस प्लस 195, 5 पे गया 3, 45 9 13, 43 15 और 13 ही होगा शायद से, 15 और 13। वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एक सेकेंड, वाई नहीं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ऊपर नीचे दे रखे थे मैंने। इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9, एक्स प्लस में 3 वाई 75, 2x प्लस 3y 33, 2 4 खत्म 7x, x की वैल्यू आ जाएगी 7 6 42, 6 आगे 6 थी 18 18, 5 2 7 आ जाएगा। तो y ग्रेटर देन x। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, खत्म प्लस 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 इंटू 2, 11 और 7, 11 22, 7 2 14, 11 और 7 इंटू 2 14 और 11। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई, सॉरी ये भी उल्टा कर दिया ना, वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू, पहले वाले दिखे थे सही थे ना। ठीक है। अब है नंबर ऑफ फोन सोल्ड एंड नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड, परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ फोन सोल्ड। ए बी सी डी ई फोन, लैपटॉप हो गए। फोन कितने हैं 224, 224 का 125, 5 4 5 6, ये कितना था 5 7 6 5 30, 3 5 25, 28, 280, 315, 315 का 80% निकालेंगे तो 6 3 2 4 4 3 12 1, 6 24 1 25, 350, 350 का 66, 2 7 3 3 7 21 22 23, 231, 280 का 130, 13 13, 104, 13 2 26, 6 3, 368, 364, फिर 360 का 85%, 8 16 17, 2 18, 8 7 56, 5 8 7 15 और 5 20, 2 2 306। फाइंड द नंबर ऑफ फोन एंड लैपटॉप सोल्ड बाय ई। कितने हो गए 6 6 6। ये 45% ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय ए वर, 280 का 45% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 140, 90, 124, 126, ये हो गया HP के। देन द HP 126 इफ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ फोन सोल्ड बाय द शॉप बी, फोन शॉप बी, द नंबर ऑफ लैपटॉप इन द सेम, डिफरेंस बताना इनका 3 5 1 6 63। फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय शॉप सी एंड डी, लैपटॉप सी एन डी, 4 1 5 6 3 9 5। ओके, फिर ये अगले पेज पे जाते हैं जल्दी। कितना आ गया इसका 5 4 9 माइनस, ये कितना हो गया 12 13 14 16, फिर प्लस 22 23 24 25, फिर माइनस 13 4 में से 1, ये क्या हुआ बस इधर ही गड़बड़ होगी, 1 2 3, 19 नहीं आएगा इधर। 12 में से 5 गए 7 1 17, माइनस 5 1 6, फिर प्लस 4 1 5, फिर प्लस 16, प्लस 20 30 33, वो क्या रहा है इधर इंटू 1 माइनस 1 इंटू 3 प्लस 1, वो क्या रहा है भाई ये 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1, फिर इंटू 2 प्लस 4 4 8, फिर इंटू 2, 4 2 8 2 7 2 14, 2 प्लस 5, 2 3 4 5 इंटू 2 3 2 6 5 2 10 2 1 3। तो इन दोनों में गड़बड़ है, पहला सही है, 33 में गड़बड़ है, 33 नहीं आएगा। दो 500 माइनस में से ये होगा नहीं, इधर -500, 5 4 9, इंटू में 9/10 किया, फिर 3600 45, 1 2 15, 5 4 यानी कि 8/10 किया, फिर 3600 7/10 करेंगे तो कितना आएगा 0 7 6 42 4 7 1 22 23 25, फिर इसका 6/10 कर लेंगे तो 6 दूनी 12 1 24 31 3 6 दूनी 12 15 है ना। हाँ यही गड़बड़ है, 2400। ओके 6 7 8 +8 -12 13 14 +22 -32 +40 8 का गैप 8, इधर 8 करेंगे तो 24 आएगा, इधर 16 आना था, यही गड़बड़ है 118। और क्या रहता है, पहले ये ना कर लें 396 /22 +5 × 25 × 13 13 × 65 6 13 × 26 6 × 12 3 3 6 2 18 8 × 5 13 4 3 7 आ जाएगा 1 7 2 3 6 4 /7 7 × 25 2 5 2 4 12 2 /x which is equals to 340/5 4 × 8 2 5 7 5 और 1 6 7 8 7 56 8 4 9 8 0 0 /12 35 × 44 +x 12 48 18 फिर 12 1 = 12 12 × 5 = 60 0 × 4 कितने हैं 5 × 20 तो 4 × 12 = 13 14 4 5 1 करेंगे तो 0 1 11 फिर कितना बच गया 11 में से 5 गए 6 3 में से 2 2610 34 × 12 12 × 48 4 12 × 36 40 फिर 9 × 14 126 2 ये फिर ये कितना आ जाएगा 8 2 और 225 7 7 में 5 ये तो कुछ नहीं आया भाई। अच्छा 57 ही आया ना 1/13 +21 × 3 16 × 6 6 36 3 6 3 9 3 3 6 63 रहेगा 3 3 13 39 3 39 9 12 4 29 430 आ गया। ये देखते हैं इन स्कूल द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ए द नंबर ऑफ गर्ल्स 30% लेस देन यानी कि 7 है ये 10 है। The sum of the number of boys and girls in school A 408 17 2 34 फिर 34 या तो 17 4 68 240 तो बॉयज हो गए इंटू 7 4 28 2 7 15 16 168 रेशो द बॉयज रेशो ऑफ बॉयज इन ए एंड बी बी में ए के 8 लगा लिए 240/8 दिए 24 × 9 9 3 27 ये हो गए। एवरेज नंबर ऑफ सी बी है क्या एवरेज नंबर ऑफ बॉयज सी एंड डी 420, 270 जाएंगे 0, 5, 150 आ गया। एंड डी है 70 बॉयज मोर देन अब इसमें 70 माइनस करेंगे 350 है ना, 350 का हाफ करेंगे। डी के पास ज़्यादा है 1, 7 दूनी 14, 5, 5 7 दूनी 14 से लगे 245। इन सी द नंबर ऑफ गर्ल्स 20% मोर देन द बॉयज इन इट। 175 का 6/5 करेंगे तो 3 5, 6 पंजे 30, 3 6 18 19 20 21। द रेशियो ऑफ द गर्ल्स सी एंड बी, सी 210, 7 3 0, 6 18। द नंबर ऑफ गर्ल्स 160, ठीक है। फिर क्या है, फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन डी। डी के बताने हैं 0 10 11, 410। फिर 70% ऑफ गर्ल्स इन बी आर साइंस। 180 की 70, 856, 5 ये होगी साइंस की। फाइंड द गर्ल्स हु साइंस 126। नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए इज हाउ मच परसेंट, गर्ल्स इन ए 168। नंबर ऑफ बॉयज इन सी 175 इंटू 100, 4 3 7, 7 दूनी 14, 28 7 चौक 28, 4 चौक 16, 1, 4 दूनी 8, 96%। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज ए एंड बी। ए 4 3 7 11, 4 1 5, 255। इफ देयर वर वाई लेस गर्ल्स इन सी, the ratio of the number of boys to that of girls in C should be गर्ल्स कितनी है 200, वाई कर दिया तो ये इतना हो गया। द बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स, बॉयज का कितना है भाई 7 8, 7 दूनी 14, 3 7 पंजे 35, 8 पंजे 40, 4 17 19 20। तो वाई की वैल्यू होगी 10। ठीक है। राम अलोन कैन वर्क 30 days, फिर राम प्लस राहुल 14 days। इफ राम अलोन स्टार्टेड द वर्क, ओके 30 और 14 का कितना हो जाएगा भाई 2 पे गया 15, 7 14 और 15 15 जो कि 7 6 15 11, 210 आएगा कितना 7 7 30 15 आ गया। ठीक है। इफ राम अलोन स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर वर्किंग 22, 7 दूनी 14, 14 एक 15, 210 में से 6, 5 56 काम बच गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय राहुल अलोन 8 यानी कि 7 दिन में। और इन ए क्लास द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉय टू गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स 11:8। और फिर 3 बॉयज ज्वाइन द क्लास एंड 6 गर्ल्स लेफ्ट, देन द रेशियो ऑफ द बॉय टू दैट ऑफ गर्ल्स। ओके 8 3 24 22, 3 दूनी 6, 6 3 18, 2 की वैल्यू आ गई कितनी आ गई 24, 1 की वैल्यू 12। एक्चुअल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 12 96, फिर है ई एंड बी स्टार्टेड बिजनेस 39604400। ए इन्वेस्टेड 9 मंथ मोर देन बी, यानी कि एक्स इसको लगा लेते हुए एक्स प्लस 9 ये हो जाएगा। प्रॉफिट शेयर ऑफ ए जो है 6/5 396 एक्स प्लस। ओके सो हो गया ख़त्म। देख लेते हैं क्या स्कोर रहा है हमारा। अटैम्प्ट तो काफ़ी कम ही हुए हैं अबे। अच्छा इनकरेक्ट 6%, मुझे लगा काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब हुआ यार। एक्यूरेसी क्यों ख़राब जा रही है पता नहीं, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब गई है, लास्ट वाले में भी। ठीक है भाई काम करेंगे। कौन सा ज़्यादा ख़राब हुआ है हमारा? है अच्छा रीजनिंग में तो होना ही था, काफ़ी ख़राब गया मेरा रीजनिंग। थर्टी के थर्टी मैथ्स में पूरी है हमारी एक्यूरेसी, लेकिन रीजनिंग में ख़राब हो गई एक्यूरेसी। 27 हुए थे और 5 गलत हो गए,